दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। राउल जेवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि शायद उनके लिए थोड़ी राहत है क्योंकि तिहाड़ से वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला और पेचीदा हो गया। एक तो हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, अब फैसला कब तक आएगा इसकी कोई तारीख तय भी नहीं है। दूसरा, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को भी नोटिस जारी कर दिया है और ऐसे में उन्हें जमानत मिलना दूर की बात मानी जा रही है। और अभी इस बात पर फैसला आना है कि राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए या फिर नहीं। दरअसल राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जरूर, लेकिन अगले ही दिन मामले में ट्विस्ट आया। ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, उसने केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देते हुए एक अपील भी दाखिल कर दी। साथ में यह भी दलील दी कि जब तक अपील पर सुनवाई ना हो जाए तब तक राउल्स एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए, यानी कि केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट में केवल स्टे पर सुनवाई हुई, अपील पर सुनवाई उसके बाद होगी। हाईकोर्ट ने ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया, इसके साथ ही अपील पर सुनवाई के दौरान राउल्स एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगेगी या नहीं इस पर फैसला अगले 2 या 3 दिनों में आ जाएगा। यानी कि अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो सिर्फ स्टे पर होगा, अपील पर सुनवाई में अभी काफी वक्त लग सकता है। अगर हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो फिर जाहिर है अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, लेकिन अगर राउल्स एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया गया तो केजरीवाल जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ। हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाएगा या नहीं इसका फैसला आने तक राउल्स एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगेगी, यानी कि तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों की जोरदार झड़प चली। ईडी से कोर्ट में दलील दी गई कि उनके पास इस बात के साक्ष्य या प्रमाण मौजूद हैं कि केजरीवाल ही मामले में मास्टरमाइंड हैं, उनका संवैधानिक पद पर होना जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। 45 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी है, ईडी ये दावा कर रही है, और ये भी दिखाया गया कि इन पैसों का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम ने मजबूत तर्क दिए और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, गवाहों के बयान देखकर लगता है कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिए। लंबी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, अब कब फैसला आएगा अभी तय नहीं। हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाएगा या नहीं इसका फैसला आने तक राउल्स एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी, यानी कि तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों की तरफ से जोरदार जिरह चली। ईडी से कोर्ट में दलील दी गई कि उनके पास इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि केजरीवाल ही पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं और उनका संवैधानिक पद पर होना जमानत देने का कोई आधार भी नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि गोवा चुनाव में इसका इस्तेमाल पैसे का किया गया था। तो कुल मिलाकर अभी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, ये बात भी सामने आई है, जब तक इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे पर कोई फैसला नहीं ले लिया जाता। इससे पहले का मामला आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले के मामले में हुआ क्या था राउल्स एवेन्यू कोर्ट को लेकर। आपको बता दें कि राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने ASG यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन 45 को भूल जाया जाए, और बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार ये है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अभी तक नहीं दिया है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दिया। ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने यह भी कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं और उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने यह दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस केवल और केवल कल्पना के आधार पर है, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सबूत है ही नहीं, वो किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त लेना चाहते हैं। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वो पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। जस्टिस न्याय बिंदु ने इस मामले पर कहा कि ईडी केजरीवाल के उठाए कुछ मुद्दों पर चुप है जब जमानत दी गई इस पर। उन्होंने यह भी कहा कि जैसा कि उनका नाम CBI केस या ECIR के FIR में भी नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बयानों के बाद सामने आए। यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि केजरीवाल को आज तक किसी अदालत ने तलब नहीं किया, फिर भी वे अभी तक चल रही जांच के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ये साफ करने में विफल रही है
कि पूरी धनराशि का पता लगाने के लिए उसे कितना वक्त चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कैसे किया, जबकि लगभग 2 साल के बाद भी इस पूरे अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हों या फिर अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को वो जानते हैं, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो सारी बातें जस्टिस की तरफ से कही गई। आज एसजी एसपी राजू जो कि ईडी के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में दलील किया। उन्होंने हाईकोर्ट में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है, क्योंकि ये एमएलए की धारा 45 के प्रावधान के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने हमारी बातें ठीक से नहीं सुनी। कोर्ट ने जवाब को ये कहते हुए नहीं देखा कि यह बहुत बड़ा है, इससे अधिक विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता। उनकी तरफ से ईडी ने गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के द्वारा अपराध की आय का इस्तेमाल करने के सबूत पेश किए हैं, ये उनका कहना है, और 45 करोड़ रुपए का पता लगा। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज कर दिया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि क्या संवैधानिक कुर्सी पर बैठे रहना जमानत का कोई हक है? इसका मतलब ये कि हर मंत्री को जमानत मिल जाएगी, इससे ज्यादा विकृत बात कुछ नहीं हो सकती। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को जो कुछ हुआ उस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी। ईडी अरविंद केजरीवाल के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत का आदेश अपलोड होने से पहले स्टे के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया। वैसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो कोई आतंकवादी हो, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला तो अभी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। इससे पहले सुनीता केजरीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा संदेश भी सबको बताया और कहा कि पड़ोसी राज्य दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं, क्या ये समय इस मुद्दे पर राजनीति करने का है। कुल मिलाकर केजरीवाल की जमानत पर गुरुवार को जो फैसला आया था राउल जर्मनी कोर्ट का, उस पर ईडी ने अगले ही दिन हाईकोर्ट में जमानत पर स्टे लगाने का आवेदन कर दिया था। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ये कब आएगा इसकी तारीख अभी तय नहीं।